Welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I'm Chaitra Patil and in today's video I will be sharing some beautiful bags जो कि Amazon से है. So basically ये होने वाला है एक bag haul जिसमें under 1000 में आपको बहुत ही बढ़िया different category के bags दिखाने वाली हूँ. So अगर आपको video अच्छा लगे don't forget to like, share and do subscribe my channel and thanks for 14k plus subscriber. इधर ना बहुत ही बढ़िया response आया आप लोगों का and 1 million views गए nail extension वाला video मैंने डाला था उस पर. So thank you so much. So without wasting more time, let's begin the video. अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ ना फर्स्ट बैग. सो दिस इज द फर्स्ट बैग एंड इसका जो ब्रांड है वो है हैबर इंडिया. इट्स अ ब्यूटिफुल बैग जो कि पूरा हैंड वोवन है. आप देख सकते हो ड्राई ग्रास इसमें यूज करी गई है एंड इसमें दो हैंडल्स हैं जिनको बहुत ही ब्यूटिफुली नाइसी ड्राई ग्रास में ऐसे ना वीव कर दिया गया है. बहुत ही प्यारा बैग है एंड इसका शेप आप देख सकते हो कुछ ऐसा शेप है एंड यू कैन कैरी दिस बैग लाइक दिस. बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के बैग्स आजकल चल रहे हैं. इसमें ना आप फ्लास्क रख सकते हो एंड बहुत ही अच्छे से शूट्स आप करा सकते हो. पिंटरेस्ट ही लगता है काफ़ी ज़्यादा एक एस्थेटिक वाइब ऐड हो जाती है. मुझे तो ऐसे बैग्स बहुत पसंद है एंड मैंने ना ये फर्स्ट टाइम परचेज किया है. मुझे लगा कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी एंड फाइनली आई गॉट दिस एंड आप भी परचेज कर सकते हो. दिस इज जस्ट फॉर 920 rupees एंड इससे आप ना वो लुक अगर आप क्रिएट कर रहे हो बहुत ही अच्छा सा उसके साथ भी आप ऐड कर लो तब ये बहुत ही अच्छा लगता है. सो इट्स अ वेरी क्यूट एंड गुड क्वालिटी बैग फ्रॉम Amazon. हाँ जी गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड बैग. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल रोप बैग. आई मीन लुक एट द डिजाइन. इतना ब्यूटिफुल बेज एंड रेड का कॉम्बिनेशन है एंड इट गोज परफेक्टली विद ऑल माई आउटफिट्स. चाहे वो कॉलेज फिट्स हों या स्टाइलिश ड्रेसेस वगैरह के साथ भी बहुत ही प्यारा लगता है एंड बोहो आउटफिट्स अगर आप हैं तो उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस के साथ. एंड गाइस मैं आपको 7 to 8 more designs मिल जाएंगे एंड दिस इज जस्ट फॉर 749 rupees एंड इट इज ऑफ ग्रेट क्वालिटी. बहुत शीक एलिगेंट एंड डिफरेंट लगता है. बहुत ही ब्यूटीफुली रोप से बनाया हुआ आप देख सकते हो ऐसा कुछ है इसमें. और फर्स्ट वाले बैग में आपको कंपार्टमेंट्स नहीं मिलते हैं बट आप इसमें ना अच्छा खासा स्टफ अपना कैरी कर सकते हो एंड ये बहुत ही ग्रेट क्वालिटी का बैग है एंड इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड बहुत ही प्यारा बैग है. सो गाइस नेक्स्ट जो बैग होने वाला है वो है फ्रॉम द ब्रांड मिनीसो. सो दिस इज द बैग. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राउन शेड बैग जो कि एक शोल्डर बैग है एंड इट हैज़ फ्लैप. इसमें ना आपको अगर आप इसकी डिज़ाइन देखोगे तब आपको ज़ारा का बैग याद आएगा. सो इट इज़ अ ज़ारा ड्यूप एंड इसमें आपको डिटैचबल चेन मिल जाती है विच इज ऑफ ग्रेट क्वालिटी एंड ये गोल्डन कलर की चेन है. ब्राउन बैग है एंड इसमें फ्लैप है तो आप इसको ना अगर आप हटा देते हो देन यू कैन यूज इट एज ए क्लच एंड इसमें आपको इनफ स्पेस भी मिल जाता है. Also guys, this bag is perfect for traveling, shopping, dating या आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो तब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. आपके सारे आउटफिट के साथ जाएगा एंड इसमें आपको इनफ स्पेस मिल जाता है एंड पीछे आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है. इसमें आपको कोई जिपर नहीं मिलती है. दिस इज द मेन कंपार्टमेंट एंड बैक साइड पर भी आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है. वेरी गुड क्वालिटी एंड आप सामने से देख सकते हो पूरी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी करी हुई है जिसकी वजह से इसका ऐसा कुछ डिजाइन आता है. सो गाइज अगर आपने इससे पहले वाला हॉल नहीं देखा है देन डू चेकआउट. मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस दिखाई हैं, फ्लोरल ड्रेसेस एंड एक सॉलिड भी थी. अगर आपने नहीं चेकआउट किया है प्लीज आप चेकआउट करिए एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी. तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ दो सनग्लासेस जो कि ना समर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. सो फर्स्ट वन इज दिस वन. दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड रॉयल सन एंड यूवी प्रोटेक्शन ये सनग्लासेस हैं. ऐसे सनग्लासेस आजकल बहुत इन एंड ये सनग्लासेस ना सारे फेसेस पे सूट करते हैं चाहे वो मीडियम हो या किसी का बहुत बड़ा सा फेस है तब भी. एंड इसका जो फ्रेम है आप देख सकते हो वो सिल्वर में है एंड इसके जो ग्लासेस हैं वो लेंसेज जो है वो ब्लैक कलर में एंड मेरे पास इसका ग्रीन भी है जो कि अभी मेरी सिस्टर के पास है. सो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ बट आई विल प्रोवाइड द लिंक. वो भी बहुत ही कूल लगता है एंड ये बहुत ही विंटेज एंड कैसे बताऊँ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एंड कूल भी वाइब देता है. सो इट इज़ अ परफेक्ट पीस जो कि आपको ना यूवी रेज़ से भी बचाता है. जस्ट फॉर 379 rupees आई गेस. येस इसमें आपको डिफरेंट ना क्लियर ग्लासेस वाले भी मिल जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हो बट ये मुझे बहुत सही लगता है. ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द पैकेजिंग, पैकेजिंग इज वेरी गुड. ऐसे मुझे ना बहुत ही सेफ एक कवर में मिला था जिसमें ना यहाँ पर फ्रंट में इन्होंने एक बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक लगाया जिसकी वजह से आप इसको अगर अच्छे से रखते हो तो ये बिल्कुल भी मतलब ऐसे स्क्रैचेस नहीं पड़ते, बिल्कुल सेफ रहता है. यहाँ पर रॉयल सन का लोगो बना है
ब्लैक कलर का काफी अच्छा सा ये बैग दे रखा है। जो नेक्स्ट सनग्लासेस है वो है फ्रॉम द ब्रांड एलिगेंटे आईवेयर। दिस इज द आउटर पैकेजिंग, ऐसे कुछ कार्टन बॉक्स में मुझे ये रिसीव हुए थे एंड इसमें आपको डिफरेंट ना सेफ्टी के लिए ना पैकेजिंग्स मिल जाती है, लाइक बैग एक मिल जाता है, क्लीनिंग का आपको यहाँ पर फैब्रिक मिल जाता है एंड इस वाले में मुझे ये पैक होके मिले थे। एंड गाइज दीज आर द सन ग्लासेज, ये ना केंडल जेनर वाले बहुत ही रेट्रो वाले वाइब वाले ना ये सन ग्लासेज हैं, ब्राउन शेड में। इसमें आपको डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे। दिस फॉर 357 रुपीज आई गेस एंड इसमें आपको वाइट, पिंक, ब्लैक, ब्राउन डिफरेंट डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे। चीता वाला प्रिंट है इसमें एंड ये बहुत कूल लगता है, इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, रील्स में आपको मिल जाएंगे, पिंटरेस्ट में तो भरे हुए हैं ऐसे सन ग्लासेस। फॉर 355 रुपीज एंड यूवी 400 प्रोटेक्टेड इसमें लेंसेज लगे हुए हैं। सन ग्लासेस में दिखा दिए, अब मैं आपको लास्ट के टू बैग्स दिखा देती हूँ। सो दिस इज द बैग, ये बैग नंबर 4 है। सो ना इट इज अ वेरी प्रिटी बैग एंड इट इज इन ब्यूटिफुल ब्लू कलर, मैं उल्टा दिखा रही हूँ आपको। सो ये ना पाउडर ब्लू कलर का बैग है, इसकी स्ट्रैप ब्लैक कलर की है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड एप्सिस एंड इट इज देयर विमेन सॉलिड हाफ मून शोल्डर बैग विद एडजस्टेबल हैंडल। इसमें आपको अदर बहुत ही प्रिटी प्रिटी कलर्स मिल जाएंगे, लाइक ब्राउन, वाइट एंड इसमें ना आपको ब्लैक भी मिल जाएगा। मेंशन कर रखा है कि दिस स्ट्रैप इज एडजस्टेबल, तो आप इसको स्ट्रैप को ना एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर बकल्स ये हैं एंड ऐसे कुछ ओपन होते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक बटन लगा है, हाफ मून इसका शेप है एंड यहाँ पर आपको मेन कंपार्टमेंट जिपर कंपार्टमेंट मिलता है। एंड अंदर ना इसको सेफ रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है, लाइक पॉलिथिन एंड पेपर वगैरह, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। इसमें अपना कॉस्मेटिक, छोटा सा पाउच और पावर बैंक, फोन, कीज सब कुछ रख सकते हो। अच्छा खासा बड़ा बैग है एंड इसमें अदर कोई कंपार्टमेंट, हाँ बैक साइड में एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, आप इसमें अपना सेफ्टी पिन और कीज वगैरह रख सकते हो। बट इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है एंड ये बहुत ही डिफरेंट सा एक बैग है, प्यारा सा बैग है जो कि एथनिक वेयर एंड आपके वेस्टर्न वेयर दोनों के साथ ही जाता है। एंड पीछे आपको ऐसी कुछ ना यहाँ पर डिटेलिंग मिल जाती है, गोल्डन कलर के यहाँ पे स्टड्स लगे हुए हैं, बहुत ही प्रिटी सा बैग है। गाइस लास्ट बैग ऑफ दिस हॉल इज दिस वन, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड लिफी और लाइफी, विमेंस रेट्रो लार्ज साइज कैनवस शोल्डर बैग, होगो क्रॉस बॉडी बैग, हैंड बैग, कैजुअल टोट बैग। इसमें आपको येलो, वाइट, ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रे, ग्रीन, बहुत सारे आपको डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे। 320 रुपीज़ का है, कॉटन कैनवस इसका ना पूरा आपका जो मटेरियल लगा हुआ है कॉटन कैनवस है एंड इसमें एडजस्टेबल आपको स्ट्रैप मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इसको आप ना क्रॉस बॉडी बैग, शोल्डर बैग, टोट बैग सबकी तरीके से कैरी कर सकते हो। सो डिफरेंट स्टाइलिंग के इसमें तरीके हैं। दिस इज द मेन कंपार्टमेंट, जिपर लगी हुई है एंड अंदर आपको एक बड़ी सी पॉकेट इसमें अटैच्ड मिल जाती है। इसमें आप ना दो सेक्शंस देख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें आप कैरी कर सकते हो। अच्छा खासा स्पेस है, आप ना आराम से इसको कॉलेज ले जा सकते हो, जो बच्चे कोचिंग और ट्यूशन जाते हैं वो ले जा सकते हैं। बहुत ही लाइट बैग है, आराम से आप इसको क्लीन कर सकते हो, मतलब आप इसको ना वॉशिंग मशीन में या इसको हैंड वॉश कर सकते हो। बहुत ही अच्छा बैग है, बहुत ही बढ़िया, डिफरेंट कलर्स में जाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट क्वालिटी। सो दिस इज़ द लास्ट बैग ऑफ दिस हॉल। ये था मेरा आज का हॉल एंड आई होप आप सबने इंजॉय किया होगा। मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे डिफरेंट कैटेगरी के बैग्स दिखाए थे जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी थे, प्लस मैंने आपको दो सनग्लासेस भी दिखाए। लाइक ज़रूर करेगा वीडियो को, शेयर ज़रूर करेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड कॉमेंट ज़रूर करेगा। अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो मेरा चैनल जो है ना वो यूट्यूब कभी भी सजेस्ट नहीं करेगा अदर लोगों को, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही सेकेंड्स में जस्ट आपको ना थम्स अप पे टैप करना रहता है। सो या ये था मेरा वीडियो एंड मैं अच्छे अच्छे वीडियोस हमेशा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ चेकआउट करेगा एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, आई लव यू ऑल, बाय बाय।